अच्छा एक ये मंगाऊं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पनीर बटर मसाला। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिमल ड्रैगन। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके पास आ गई हूँ और आपके साथ आ गई हूँ। एक्चुअली मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बनाया था और आज मैं काफ़ी दिन के बाद जा रही हूँ एक डिनर डेट पर अपनी फैमिली के साथ, तो सोचा व्लॉग बना दिया जाए। तो जैसे कि मैं आज जो पहनने वाली हूँ वो आप देख ही चुके हैं, और ये मैंने अपना टॉप पहन लिया है जो कि एक लॉन्ग टॉप है, उसके साथ मैंने ये अपना सारा सा लैंड डाल लिया है लॉक का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने अभी मेकअप भी नहीं किया है, तो अभी मेरी शक्ल पर ध्यान ना दें। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने अपने पिंक टॉप को क्रॉप जैकेट के साथ पेयर कर लिया है और मैंने ये पहना है। और मैंने अपने ये न्यू ईयरिंग खरीदे थे जो काफ़ी पहले खरीदे थे, पर मैंने अभी तक ये किसी के भी साथ स्टाइल नहीं कर पाई थी, तो मैं अब इस ड्रेस के साथ स्टाइल कर रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैंने बाल खुले ही रखे, मेकअप ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ये पेयर कर लिया है अपनी जैकेट के साथ। और ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं तैयार हो गई हूँ स्नीकर्स और कैप के साथ। ये है मेरा ओवरऑल लुक, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो चलते हैं और आ गए हैं हम। ये है वेन्यू, वेन्यू काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट हो रखा है क्योंकि अभी शादियाँ चल रही हैं, टाइम भी ऐसे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं और हम लोग आ गए हैं। हम लोग चलते हैं डाइनिंग करने और ये सब कुछ इस तरह से डेकोरेट हुआ है, शायद कोई बर्थडे पार्टी होगी। ये बोलना जरूरी था तुम्हारा। मम्मा यहाँ पे क्या करते हैं? अंदर कुछ हो रहा होगा बेटा, अंदर पार्टी होगी बर्थडे वगैरह। चलो ओपन द गेट, हाय। प्लेटें साफ हो रही हैं यहाँ तो। कहाँ बैठे? यहाँ ऑफिशियल्स के पास बैठो, ठीक है? वाओ, ये मैं स्कूल में भी एक्वेरियम। वाओ बाबू, लुक एट दैट, दैट्स अ कैटफिश। यस, ओ माय गॉड, ओ वाओ, दिस फिश हैज मूस्टैक। ये जो बहुत लंबी सी है, हाँ देखो इनके मूंछें हैं। ओ वाओ, कितनी प्यारी प्यारी फिश है ना मम्मा। ये और ये फिश आपके एक्वेरियम में है? ये सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश गोल्डन। एंड वाओ, ये कौन सी फिश है गाइस? कमेंट करके जरूर बताना मुझे, मुझे नहीं पता। एंड व्हिच वन इज दैट? मैं कैमरा साफ नहीं है, लेट मी क्लीन माय कैमरा फर्स्ट। हाँ हाँ हाँ, ओके नाउ इट्स क्लियर। मम्मा ये देखो कितनी छोटी है, ये अभी बच्चा है। हाँ, इट्स अ बेबी फिश। ये भी बेबी फिश है, ये भी। ये तो कितनी छोटी, देखो वो, देखो हाँ। यहाँ पे एक पहले फ्रॉग भी था ना। हाँ मम्मा, वो पता नहीं, अपना बैग रख दी थी, बहुत थक रही हूँ। क्या था? मेंदा क्या है? ओहो, ओह माय गॉड, हाउ ये कितनी बड़ी है, ये ऑरेंज वाली। हाँ ऐसे ही हमारे स्कूल में भी है पता है, और वो भी ना, वो भी ऐसे स्टोन्स को अपने फेस में बार 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 भर करके और दूसरी जगह डालती है। ये वाली थी है ना, वो तो खेल ली थी। राहुल देखो इसमें फिशेस ना चेंज हो गई हैं, देखो कौन कैसी कैसी फिश है। मम्मा ये देखो, ये कैसी हुई फिश है, ये चिपकी हुई है सामने। मम्मा उसने तो ऊपर से कैच कर लिया था। ये कितनी देर से चिपकी हुई है, क्या कर रही है ये? उसने ना मिरर पे अपना मुंह चिपका रखा है, देखो गंदा हो रहा है शीशा। तो गाइज, इस फिश का अगर आपको नाम पता है तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि काफ़ी डरावनी और अजीब सी फिश है ये। अब टॉयलेट आ गई, मैं वैसे चेंज करके नहीं आने वाली थी। टॉयलेट ही जाओ, मम्मा के संग करके आओ। मैं पता, रुक जाओ एक मिनट, मैं पता चेंज, ये रहा, मैं पता चेंज करके नहीं आने वाली थी, पर तुमने कह दिया तो मैंने सोचा ब्लॉग भी बन जाएगा। चलो गर्ल्स वॉशरूम इसमें लेस ले जाओ, क्योंकि
चाहती हूँ जा सकती हूँ बिकॉज आई एम नॉट मैन। वॉशरूम में आ गए पर यहाँ पे लाइट कम है वरना जैसे सबको पता है गर्ल्स कितना वॉशरूम में सेल्फी एंड ये सब लेने प्रेफर करती हैं और मैं भी करती हूँ। स्मेल काइंड ऑफ स्मेल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस स्मेल है। चलो मम्मा बिग होगी ना मम्मा इज गर्ल्स वॉशरूम बॉयज वॉशरूम वहाँ पे शायद किसी की बर्थडे पार्टी चल रही है। ओहो पूरा नहीं खोलना है हैं ऐसे ही इसको आता है क्या ऑर्डर करना है। हाँ ये स्टार्टिंग है बाबू ऑर्डर कर रहा है। बाबू क्या ऑर्डर कर रहा है ये नहीं आएगा बताओ क्या ऑर्डर करना है। ये फोटो आले यार जी उतार चल जावा है। कोई बात नहीं उतर जाने दो बाबू से बाद में पहन लेना। एक तो और क्या ऑर्डर करना है मैं ये अच्छा एक ये मंगाऊं एक इसका नाम क्या है इसका नाम है पनीर बटर मसाला ये टेल के बारे में लिखा हुआ है। चलो यहाँ से पिक करो पढ़ना कुछ आता नहीं एक तो ये मंगाओ ये क्या है ये है ब्रेकफास्ट ये पर हम तो डिनर के लिए आए हैं ना ये ब्रेकफास्ट आइटम्स है हम तो डिनर के लिए आए हैं ना। अच्छा तो यहाँ है डिनर ये दोनों डिनर है। हाँ इनमें से कुछ भी लो ये एक ये क्या है इधर देखो इसमें से हम मंगाते हैं क्या मंगाना है? क्या है एक ये मंगाना है कौन पकोड़ा और एक ये एक आलू चाट मंगानी है और एक ये एक पनीर पकोड़ा मंगाना है पूरा सब खा लोगे क्या रुक जाओ ना एक ये अच्छा और देख लो ना देख रही हूँ देख ये इसकी क्या है ये है वेज कटलेट और एक स्टार्टर्स है बेटा और एक ये हाँ ठीक है पीनट मसाला ओके और मम्मा इसमें वो नहीं है पनीर बटर मसाला हाँ इसमें वो नहीं है मम्मा पहले इसमें रख के सूप पीऊंगा टमाटो मंगाना टमाटो मंगाना मम्मा कुछ कर एक मेरे लिए खाली हाँ 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 तुम बोल देना एक इसके लिए खाली एक इसके लिए खाली कटोरी खाली कटोरी एक तो भाई मसाला पापड़ दे देना ना चमकादड़ फिश भी होती है। तो बाबू का आ गया स्टार्टर पैक। बाबू ने लिया है स्टार्टर पैक में टमाटो सूप जो कि बाबू का फेवरेट है और ये मुझे भी काइंड ऑफ अच्छा लगता है कभी कभी पर आज मेरा मन नहीं है। मैं कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ जब ये लोग सूप लेते हैं लेकिन आज मुझे कॉफ़ी का भी मन नहीं है कॉफ़ी। और बाबू ने मंगाया था मसाला पापड़ तो मसाला पापड़ मैं पहली बार ट्राई करूँगी देखते हैं मसाला पापड़ कैसा है। ये वाओ टेस्टी है मम्मा ये तो उससे भी मस्त है। उससे भी मस्त है इसे ट्राई करो लेट्स ट्राई दिस जैसे मम्मा नॉन के लिए ये तो सिंपल घर वाले पक वो है। हाँ रवि तेरे का तरीका थोड़ा कैजुअल था। हाँ ओ कुछ सैलेड वैलेड है ना इसमें साथ में सैलेड वैलेड वगैरह नीचे भी ऐसा ही है। हाँ दोनों ऐसे ही मजा आ रहा है ना इसके सब्जियों के
खीरा और टमाटर रहा है ना, खीरा टमाटर कोरिएंडर पनीर भी है। चाट का फ्लेवर अच्छा आ रहा है इसमें, कुकुम्बर वगैरह के सबके साथ। दुकान भी आ गई। क्या ये क्या तो टमाटो का तो अपने बिन बिन पे इसे टमाटो पसंद है ना। बहुत बढ़िया आपका खाना। आपका फेवरेट क्या क्या आ गया? एक पनीर बटर रोटी और नान साथ में है। ठीक है ना, ओके। पनीर भी खाना हो क्या? केवल नान मसाला मसाला मक्खन रगड़ना, पनीर बटर मसाला अच्छा लगता है पर फिर पनीर नहीं खाते, बटर मसाले खाते। हैंडी नीचे कर लो। Now we are gonna try this paneer butter masala with naan. No. वो मैंने वो फ्लावर वाला किया था वो नहीं आवा। फाइनली बाबू ने सबसे लेट खाना खा लिया। हम तो सोच रहे थे आज बाबू रात भर खाना ही नहीं खा पाएगा। बिल भी आ गया लेकिन बाबू खाने में लग रहा था। अभी भी बाबू के मुंह में है। कैसे हंस रहा है। ओहो बाबू की एटीट्यूड। कम छोटे छोटे हाथों से टूंगने में लग रहा है जब से। कितने छोटे हैं देखा? बहुत छोटे हैं। हाँ मैं ले लो। कहाँ जा रहे हो? डिनर डेट हो गई हमारी डन और अब खाना खा करके लग रही है ठंड। खाना खा के ठंड लगती है, आपको भी लगती है? थैंक यू। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग कर रही हूँ फिनिश एंड। और मेरे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी मैं। टाटा बाय।